नमस्कार जमातती, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। मैं बात कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, व्हाट इज इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए कितने सहायक हैं और कितने हानिकारक हैं, इस पे आज अपन विस्तार से समझेंगे। मैंने आज PPT हिंदी में बनाया है, अपन इसे समझते हैं विस्तार से। इकोलाई का फुल फॉर्म एस्चेरिचिया कोलाई है। इकोलाई सहायक जीवाणु उदाहरणों की सूची में आते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक खाए गए भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस्चेरिचिया कोलाई एक जीवाणु है जो स्वाभाविक रूप से लोगों और जानवरों की आंतों में होता है। वहाँ यह हानिकारक बैक्टीरियाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। मूल रूप से इकोलाई की काफ़ी मात्रा बड़ी आंत में होती है। बड़ी आंत हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा पाचन होता है। इकोलाई बैक्टीरिया एंजाइम यानी जटिल प्रोटीन छोड़ते हैं जो बेहतर पाचन का बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इकोलाई द्वारा स्रावित एंजाइम पाचन को तेज करने में सहायता करते हैं। पाचन शक्ति बढ़ाने के अलावा इकोलाई दो आवश्यक पोषक तत्वों के निर्माण में भी योगदान देता है, जिसमें विटामिन K और विटामिन B12 शामिल हैं। वास्तव में हमारे जीवन में विटामिन K और B कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे B6 और B12 का संश्लेषण इकोलाई की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान रखें कि इकोलाई के विभिन्न उपभेद यानी कि विभिन्न स्ट्रेन हैं और सभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान नहीं करती हैं। कुछ वास्तव में ख़राब भी होती हैं और इनके संपर्क में आने से डायरिया यानी कि आंतों की समस्या भी हो सकती है। इकोलाई संक्रमण यानी कि इकोलाई के इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं। इकोलाई आमतौर पर आपकी आंतों में रहता है। अधिकांश इकोलाई कुछ स्ट्रेन्स यानी कि कुछ उपभेद इकोलाई के आमतौर पर हानिकारक होते हैं। कुछ स्ट्रेन यानी कि उपभेद के कारण दस्त, खूनी दस्त, उल्टी और पेट में दर्द और ऐंठन हो सकती है। ठीक से प्रबंधित ना होने पर इकोलाई की एक स्टेंस यानी उपभेद गुर्दे की विफलता यानी कि किडनी फेलियर का कारण बन सकती है। इकोलाई संक्रमण होने का सबसे आम तरीका दूषित भोजन खाना है। अधिकांश लोग बिना दवा के एक सप्ताह के भीतर भी ठीक हो जाते हैं। इकोलाई के कितने उपभेद दस्त का कारण बनते हैं, इसके बारे में अपन समझते हैं। इकोलाई के 6 अलग अलग उपभेदों को दस्त का कारण माना गया है। ये उपभेद हैं सिगा टॉक्सिन उत्पादक इकोलाई STEC। यह बैक्टीरिया सबसे अधिक इकोलाई खाद्य संदूषण के लिए जाना जाता है। इस स्ट्रेन को एंड्रोहेमोरेजिक इकोलाई EHEC और बेरोसाइटोटॉक्सिन उत्पादक इकोलाई BTEC भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ हार्मफुल इकोलाई की स्टेंस हैं, जैसे एंट्रोटॉक्सीजेनिक इकोलाई। इस स्टेन को आमतौर पर टेबल्स डायरिया के कारण के रूप में भी जाना जाता है। एंट्रो एग्रीगेटिव इकोलाई EAEC, एंट्रो इन्वेसिव इकोलाई EIEEC, एंट्रो पैथोजेनिक इकोलाई EPIC, हिपजुली एडहेरेंट इकोलाई TAEC। इकोलाई संक्रमण के क्या लक्षण होते हैं। जिन लोगों को इकोलाई के STEC यानी कि सिगा टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग इकोलाई बैक्टीरिया स्टेन से संक्रमण होता है, उनमें निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द और ऐंठन होना, पानीदार खूनी दस्त तक हो सकते हैं, थकान भी होती है, भूख ना लगना या जी मलचाना, उल्टी आना, कम बुखार होना। सभी लोगों में यह लक्षण नहीं होता है। अतः सामान्य भाषा में कहें तो इकोलाई जीवाणु हमारे जीवन के महत्वपूर्ण साथी हैं। हाँ, कुछ इकोलाई जीवाणु की स्टेंस कुछ इकोलाई के जो स्टेंस हैं वो हानिकारक होती हैं, लेकिन जो इकोलाई जीवाणु हमारी आंतों में मौजूद होते हैं वो हमारे लिए लाभप्रद हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।